क्या उद्देश्य? नई समिति जो हम लोग बनाए हैं ना, नई समिति बनी है तो एक बार जब समिति की पहली बैठक होती है और आज से समिति इफेक्टिव होता है, इसलिए एक जो ये परंपरा है कि जितने भी माननीय हमारे सदस्य हैं जो कि बने हैं, ये अध्यक्ष बने हैं समितियों के, उनके साथ बैठक की, इस तरह की अगली कार्रवाई कैसे हो, क्या क्या उस पर एक जो डायरेक्शन रहे, उन लोगों का सुझाव लिया जाएगा कि किस तरह से इफेक्टिव हो। क्योंकि सदन के नहीं चलने पर सदन की जो समिति होती है वही एक लघु सदन होता है, तो किस तरह से चले, किस तरह से इफेक्टिव हो और आम जनता के लिए उनके जो भी बातें हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनको सुन करके उसके समाधान के लिए सब समिति सुझाव देती है। तो इसीलिए हम लोग आज यहाँ पर एकत्र होकर और सबको साथ बैठा करके किस तरह से इफेक्टिव हो और किस तरह से काम हो, और हर एक साल में एक बार इसका प्रतिवेदन सब लोग, सब समिति के माननीय अपने जो भी आज बने हैं, वो कोशिश करेंगे कि एक बार अपना रिपोर्ट जरूर करें, सदन पर ले हो, सदन को उसकी जानकारी हो कि साल भर के अंदर या 6 महीने अंदर क्या क्या कार्य हो रहा है, इसकी जानकारी होनी चाहिए, और जनता को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए कि कुछ कार्य हो रहा है और क्या क्या कार्य हो रहा है, और सरकार के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसको आम जनता तक पहुंचाने का भी एक ये है, किस तरह से सरकार जो काम कर रही है उसमें क्या काम कर रही है, जनता के लिए कौन से काम कदम उठाए गए हैं, या वैसे भी ये जो कि केंद्र सरकार के द्वारा भी आता है माननीय मोदी जी के द्वारा, उसको भी कुछ जानकारी लोग जाकर के क्षेत्र में अपना देते हैं। तो इसी के लिए आज हम लोग बैठक बुलाए हैं, इस पर विचार करके और उन लोगों का सजेशन लेकर के जो हमारे जो समितियों के अध्यक्ष हैं उनसे हम लोग एक सलाह लेंगे, सजेशन लेंगे कि किस तरह से इसको आगे का काम किया जाए, उनकी सलाहों के आधार पर ये काम किया जाएगा। आपने खुद माना कि ये एक छोटा सदन है और नए चेहरे, कई नए चेहरे, हमने माना नहीं है, ये है ही, उसमें ये परंपरा है वो, जो कि सदन जब नहीं चलता है तो ये समिति सदन के रूप में काम करती है, लेकिन नए चेहरे जो हैं पहली बार सदस्य बने उनको आपने महत्वपूर्ण अध्यक्ष भी बनाया, क्या लगता है आपको कि अपने? नहीं, वो तो बनते ही रहता है, नया नया जो पुराने लोग जाते हैं, नए आते हैं, तो इसलिए नए जो आते हैं अनुभवी लोग इसमें रहते हैं, उनके अनुभवों से ये लोग प्राप्त करेंगे अपना ये, और उनके अनुभव का लाभ उठाएंगे ताकि समिति किस तरह से बढ़िया से चले, तो इसी के लिए आज हम लोग आए हैं। Thank you.